नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की। ग्राम ब्रिजेस नगर हल्का पटवारी के खिलाफ किसान ने सीहोर कलेक्टर एवं इछावर एसडीएम को दिया शिकायत पत्र। सीहोर जिले के इछावर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम ब्रिजेस नगर निवासी सुमेर पिता बापू सिंह ने सीहोर कलेक्टर महोदय एवं इछावर एसडीएम को लिखित में आवेदन देकर ब्रिजेस नगर हल्का पटवारी श्याम बाबू मेवाड़ा के खिलाफ शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें सुमेर सिंह पिता बापू सिंह निवासी ग्राम ब्रिजेस नगर ने हल्के के पटवारी पर आवेदन में गंभीर आरोप लगाए हैं। भूमि स्वामी ने आवेदन में कहा कि मैं ज्यादा परेशान हो गया हूँ, 8 से 10 माह से पटवारी के चक्कर लगा रहा हूँ, आज तक निराकरण नहीं किया है। किसान का आरोप है कि पटवारी अभद्र व्यवहार करते हैं एवं पटवारी बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपकी जानकारी में बता दें कि ग्राम सोहनखेड़ा निवासी महिला रुक्मणी बाई पत्नी लीला किशन का भी मामला जन चर्चाओं में था। मैं गरीब किसान, रिश्वत नहीं दे सकता, मैं इछावर तहसील के चक्कर लगाकर परेशान हो गया हूँ। रुक्मणी बाई पत्नी लीला किशन के द्वारा भी कलेक्टर कार्यालय में शिकायत आवेदन पटवारी के खिलाफ दिया गया था। यह मामला भी जन चर्चाओं में बना हुआ है। इछावर से जलील खान की रिपोर्ट। सर, ग्राम ब्रिजेस नगर के एक रही ने भूमिहीन आरोप लगाया है कि पटवारी साहब मेरा बंटवारा नहीं कर रहा, साथ में ही मतलब तहसील के चक्कर लगा लगा के परेशान हो रहा हूँ, मेरे बंटवारा नहीं हो रहा। इस संबंध में जो आवेदक हैं वो मेरे पास भी आए थे, उनके द्वारा एक आवेदन इस प्रकार का प्रस्तुत किया गया है कि पटवारी द्वारा मेरा बंटवारा नहीं किया जा रहा है। मैंने इस संबंध में संक्षिप्त जाँच की है, जिसमें ये पाया गया है कि संबंधित आवेदक द्वारा इस प्रकार का बंटवारा संबंधी कोई भी आवेदन लोक सेवा केंद्र के माध्यम से और संबंधित न्यायालय में, जो कि नायब तहसीलदार का न्यायालय होता है, वहां प्रस्तुत नहीं किया गया है। विधिवत रूप से उनको सलाह दी गई है कि वे आवेदन प्रस्तुत करें, उसके बाद नियमानुसार उनका बंटवारे का प्रकट जो है वो पूर्ण किया जाएगा, उनका विधिवत बंटवारा किया जाएगा। सर, आवेदक ने यह भी कहा है कि पटवारी साहब बिना लेन देन के कोई कार्य नहीं करते, इस संबंध में द्वारा मौखिक इस प्रकार के आवेदन भी दिया है लिखित में और मौखिक रूप में द्वारा बताया गया है। इस संबंध में जरूरी परीक्षण किया जाएगा और संबंधित पटवारी के विरुद्ध यदि जांच में सही पाया गया तो कार्रवाई भी की जाएगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? ग्राम ब्रिजेस नगर। ये पटवारी के साथ आपका क्या मामला होगा? सर, एक 536 नंबर है हमारा, 1 एकड़ 33 डिसमिल का है वो जी। पिछले 7-8 महीने से परेशान हो रहा हूँ मैं, तहसील के तहसीलदार मैडम के पास आन आन के परेशान हूँ। आवेदन भी दिया मैंने, मैंने कि हमारी इसमें विवाद हो जाएगा, किसी दिन इसको 1/2 में कर दीजिए इस ज़मीन को जी। मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी कोशिश की, जिसके बाद भी कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पटवारी साहब के पास भी जाता हूँ, बस मैं कर दूंगा, और फिर बाद में तो ऐसा बोला कि तेरा मन पड़ या चल जा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं आर्मी से रिटायर होके आया हूँ मैं जी, मैं परेशान हूँ। अभी कलेक्टर साहब को देके आया मैं आवेदन। अब इछावर, इछावर में किसको दिया आपने? इछावर में अब एडीएम साहब को देके आऊँगा, अभी कलेक्टर साहब को देके आया हूँ। प्रवेश प्रारंभ। होली आर्ट कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से क्यू 12 बीच बायो साइंस एंड कॉमर्स, फिर से चीफ स्टाफ के साथ नियमित सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधि। 144 अशोका कॉलोनी, रॉयल मार्केट, भोपाल।